नमस्कार, मैं अक्षरा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। 100 करोड़ में राज्यसभा सीट दिलाने वाला गैंग पकड़ा, राज्यपाल बनवाने और सरकारी विभागों में भर्ती कराने का करते थे वादा। 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा सीट दिलाने और राज्यपाल बनाने का वादा करने वाला रैकेट पकड़ा गया है। सीबीआई ने इस बड़ी कार्रवाई में 4 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। सीबीआई टीम पिछले कई दिनों से इन पर नजर रख रही थी। पैसे लेन देन से ठीक पहले सीबीआई ने आरोपी को पकड़ लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके दूसरे साथियों को भी नाम पता चला है। 4 से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए हैं। फिलहाल 100 करोड़ रुपए में सौदा होने वाली बात सामने आई है। सीबीआई अधिकारी पिछले कुछ हफ्तों में फोन इंटरसेप्टर के जरिए कॉल सुन रहे थे। बीते कई दिनों से आरोपियों पर उनकी नजर थी। डील जब फाइनल होने वाली थी तभी आरोपी को दबोच लिया गया। सीबीआई ने 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। महाराष्ट्र निवासी कमलाकर प्रेम कुमार बांदगर, कर्नाटक निवासी रविंद्र विठल नाइक, दिल्ली निवासी महेंद्र पाल अरोड़ा और अभिषेक बोरा इस डील में शामिल थे। हाल ही में ऐसा मामला महाराष्ट्र में सामने आया था। यहां भाजपा के एक विधायक से 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। एवज में एकनाथ शिंदे कैबिनेट में मंत्री बनवाने का ऑफर था। विधायक की शिकायत पर पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल यानी AEC ने धोखाधड़ी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने 3 से 4 विधायकों के सामने यही पेशकश रखी हुई थी। गिरफ्तार लोगों की पहचान कोल्हापुर जिले के हाटकनागले निवासी रियाज अल्लाह बख्श शेख, थाने के रहने वाले निवासी योगेश मधुकर कुलकर्णी, मुंबई में नागपाड़ा के रहने वाले सागर विकास संगवई और जफर अहमद राशिद अहमद उस्मानी के रूप में हुई है। 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा सीट दिलाने और राज्यपाल बनाने का वादा करने वाले रैकेट पकड़ा गया। सीबीआई ने इस बड़ी कार्रवाई में 4 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। सीबीआई टीम पिछले कई दिनों से इन पर नजर रख रही थी। पैसे के लेन देन से ठीक पहले सीबीआई ने आरोपी को पकड़ लिया, उसे पूछताछ की जा रही है। उसके दूसरे साथियों के भी नाम पता चले हैं। 4 से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए हैं। फिलहाल 100 करोड़ रुपए में सौदा होने की बात सामने आई है। सीबीआई अधिकारी पिछले कुछ हफ्तों से फोन इंटरसेप्टर के जरिए कॉल सुन रहे थे। बीते कई दिनों से आरोपियों पर उनकी नजर थी। डील जब फाइनल होने वाली थी तभी आरोपी को दबोच लिया गया। सीबीआई ने 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। महाराष्ट्र निवासी कमलाकर प्रेम कुमार बांदगर, कर्नाटक निवासी रविंद्र विठल नायक, दिल्ली निवासी महेंद्र पॉल अरोड़ा और अभिषेक बुरा इस डील में शामिल थे। हाल ही में ऐसा मामला महाराष्ट्र में आया। यहां भाजपा के एक विधायक से 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। एवज में एकनाथ शिंदे कैबिनेट में मंत्री बनवाने का ऑफर था। विधायक की शिकायत पर पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी करप्शन से AEC ने धोखाधड़ी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने 3 से 4 विधायकों के सामने यही पेशकश रखी थी। गिरफ्तार लोगों की पहचान कोल्हापुर जिले के हाटकनागले निवासी रियाज अल्लाह बख्श शेख, थाने के रहने वाले निवासी योगेश मधुकर कुलकर्णी, मुंबई में नागपाड़ा के रहने वाले सागर विकास संगवई और सफर अहमद राशिद अहमद उस्मानी के रूप में हुई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvapp.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्तों चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।